आपसे कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ ए इज, ये भी 2019 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था इसी साल। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6। जरा एक चीज ध्यान रख लो, मैं कभी भूल जाऊं, और स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंडीशन पे बेस क्वेश्चन पूछ लेता, कंडीशन कह लीजिए या इंफॉर्मेशन बेस क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमेशा ध्यान रखना सब बच्चे नंबर नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ जीरोस आवाज कम करो ऑफ ए पॉलिनोमियल is always less than equals to degree. ये आप सब बच्चे ध्यान रखिएगा कि जो number of zeros होते हैं वो हमेशा degree से equal होंगे या degree के कम हो, degree से कम हो। सर a is equal to 3 सर। degree से ज्यादा नहीं। सर a is equal to 3। जो मैं बता रहा हूँ वो पता है आप सब बच्चों को, जो मैं बता रहा हूँ वो पता है? नहीं सर पता नहीं था, आप पता चल गया। सुन लो ना फिर उस चीज को, a is equals to 3 तो देख ही लेंगे, अभी वो तो लिखा हुआ है b रेड कलर में आ रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिग्री, मतलब जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस हों, मे बी पॉसिबल जीरो, आप कहते हो कि इसका कोई जीरो, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो। अक्सर ये आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, सम टाइम आपके पास ग्राफ में जब आपने सीखा था तो सम टाइम ग्राफ ये हमारे पास आ जाए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाए, ये वाई एक्सिस हो जाए, और कोई ग्राफ ऐसे जा रहा हो, आप लोगों ने टेंथ में सीखा था, आपने कहा था इसका कोई जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है तो इस पे वाई जीरो नहीं है, क्योंकि वाई जो जीरो होता है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही होता है। तो जब तक कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा उसका जीरोज नहीं होगा, बट ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है बट इसका कोई जीरो नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी हो सकता है कि भाई हमें जीरोस इस तरह का हमारे पास हो, कोई इस तरह का चला जाए हमारा ग्राफ, या इस तरह का हो बट वो भी एक्स एक्सिस को ना काट रहा हो, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा हो बट ये भी एक्स एक्सिस को ना काट रहा, तो इसका भी कोई जीरो ना हो। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ये पॉलिनोमियल तो किसी भी डिग्री का हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं उसके जीरोस हो ही हो, तो जीरोस जीरोस हमेशा डिग्री के या तो इक्वल होते हैं या डिग्री से कम होते हैं, और डिग्री से कम कितने, जीरो भी हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, मुझे जहन में आ रही थी जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैं बता नहीं पाया। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सिंपल सा है, क्वाड्रेटिक है तो ईजी हो जाता है, हमने आपसे एक ही चीज कही है क्या हमें दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, उन दोनों में रिलेशन ढूंढना होता है। भाई हमारे पास क्या है, अगर आपसे जीरोस की बात करेगा तो अल्फा बीटा गामा का ही बात कर रहा है, तो जो पॉलिनोमियल आपको दिया है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसमें ए स्क्वायर प्लस 9x² प्लस 13x प्लस 6a, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो अगर ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो ये है क्वाड्रेटिक, तो इसमें टू जीरोस होंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा, तो माइनस बी हमारा होगा 13 और ए हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो होगा सी अपॉन ए, और सी हमारा होगा 6a और ए हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस 9।
तो ये तो हमारे पास है, इतना हमें पता है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है। तो मैंने आपसे कहा क्या हमें मालूम है वो देखना होता है, और क्या गिवन है वो देखना है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है वन ऑफ द जीरो, तो वन ऑफ द जीरो सपोज अल्फा ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये दूसरे वाले का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमारे पास एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है, तो अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, या बीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, तो अल्फा वन अपॉन बीटा है, या बीटा वन अपॉन, किसी एक को भी ले लो। तो अगर हम ये लेंगे, ये हमें गिवन हो गया, अगर हम ये लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा वन हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या है और क्या गिवन है और क्या चाहिए, उनमें रिलेशन निकालना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू वन रख दो आप, तो अगर आप वन रखोगे तो आपके पास आएगा 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 1। इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 6a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 9। इससे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और अगर आप इसे चेक करोगे तो ये सीधा सीधा सा a माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू है 3। तो ये हमारे पास कुछ, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसमें हमें क्या क्या पता चल गया। जैसे ही पॉलिनोमियल दिया तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा कि भाई एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उससे प्रोडक्ट पता चल गया, दोनों को मिलाया तो इक्वेशन बनी, सॉल्व किया तो ए की वैल्यू 3 आ गई। सर क्लियर है? यस सर। गुड, किसी को कोई डाउट आ रहा हो पूछते रह कीजिए। चलिए क्वेश्चन और देखें। यहाँ हम कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन और बताइए जल्दी से। इफ वन ऑफ द जीरो, 2018 का क्वेश्चन, ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज जीरो, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो इज, If one of the zeros of the cubic polynomial is zero, यहाँ zero को zero दिया हुआ है। अभी तक sum of the zeros and product of की बात कर रहा था। तो आपके पास ये है cubic, तो यहाँ आपके zeros हो जाएंगे alpha, beta and gamma, और इनकी values आपको पता चल जाएगी कि भाई alpha plus beta plus gamma, ठीक है, minus b upon a हो जाएगा, alpha beta बीटा गामा अल्फा गामा, ये मैं तीनों रिलेशन लिख रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन में तीनों यूज भी हों। तो अभी तो सिर्फ आपको बताने के लिए, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम देख लेंगे भाई हमें सिर्फ यहाँ कौन से काम चलाना था। अभी देखेंगे इसमें भी कि हमें इन चारों की जरूरत है। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, ये बी अपॉन ए सी अपॉन ए होगा प्लस में, तो यहाँ पे है बी अपॉन ए वन, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, तो डी हमारा है सी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमसे कह क्या रहा था कि इन तीनों में से एक जीरो जो है वो जीरो है, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस इज, तो अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट बताओ, बताओ कौन बच्चा बताएगा। मैंने सारी चीजें लिख दी कि पॉलिनोमियल से हमें क्या मिला है और क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। हमारे पास ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, और एक तरह से ये चौथी इक्वेशन। और मुझे एक बच्चे ने कहा है कि सर जो प्रोडक्ट होगा अदर टू जीरोस का वो जीरो होगा। सी ऑप्शन, सी डी होगा प्रोडक्ट सर। ए जीरो, ए आंसर ए आ रहा है या ऑप्शन ए आ रहा है? जीरो। अच्छा चलो देखो, हमारे पास क्या है,
आप जरा इधर देख लो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बी, और हमारे पास तीसरी इक्वेशन है अल्फा बीटा गामा इज माइनस सी। हमसे कह रहा है देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, अगर हमारे पास अल्फा जीरो है तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है बीटा इंटू गामा क्या होगा ये बताओ। एक जीरो अगर जीरो है तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो अगर हम अल्फा को जीरो वन में रखें यानी कि वन एंड फोर से, फ्रॉम वन एंड फोर, तो जैसे ही आप अल्फा को जीरो रखोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ए। बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास हो गया फिफ्थ इक्वेशन। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सेकंड, और सेकंड में जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन है, देखो 2019 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया, 2018 में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही दे रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन इक्वेशन टू लेते हैं तो अल्फा तो जीरो दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है जीरो, तो जीरो इंटू बीटा, और बाद वाले में से हम गामा को ले लेते हैं कॉमन, हमें अच्छा हमें चाहिए बीटा प्लस गामा दिया हुआ, सॉरी तो बीटा प्लस गामा ही देते हैं। बीटा प्लस गामा कहां से मिलेगा भाई हमें, बीटा प्लस गामा हमें मिलेगा इक्वेशन टू में से, फर्स्ट एंड थर्ड वाले में से हम कॉमन ले लेते हैं गामा, अल्फा को, अल्फा को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा बीटा प्लस गामा, और एक हमारे पास बचेगा बीटा गामा। यहां से हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, तो बीटा गामा का प्रोडक्ट अल्फा जीरो है तो बीटा प्लस गामा वो भी जीरो हो जाएगा, बीटा गामा ही बचेगा ना हमारे पास, और यहाँ हमारे पास बचेगा बी। सर सर हाँ जी सर, सर सर इतना सर सेकंड इक्वेशन में सर मैं अल्फा की वैल्यू ना रखते हैं सर, उससे अल्फा और सर ये फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन सर कट हो जाएगी, बीटा गामा इक्वल्स टू बी आ जाएगा सर, दो का प्रोडक्ट। सुन लो सही कह रहे, हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज, असल में क्या हो रहा है, अगर अल्फा जीरो दिया हुआ है और अल्फा जीरो को आपने लास्ट वाले में रख दिया तो बीटा गामा भी जीरो हो जाएगा, तो उससे आंसर नहीं आया, ठीक है। अच्छा पहले वाले में रखें अल्फा को जीरो तो वहां से बीटा प्लस अल्फा आ, तो मैं वही आपसे कह रहा था कि हमें चेक करना पड़ेगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे किससे हम आंसर, तो ना हमें इसमें वन से आंसर आ रहा है ना हमें इसमें थर्ड से आंसर, आंसर हमारा सेकंड से एक ही लाइन में आ जाएगा। यस सर वही तो मैं कह रहा हूं सर, सिर्फ सेकंड, हां तो सुन लो ठीक है, तो सेकंड से हमारा आंसर आ, तो हमें इसमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ये हमारे पास है, चेक कर लो देखो हम क्या कहना चाह, अगर हम सिर्फ सेकंड देखें, अगर हम सिर्फ सेकंड देखें, क्योंकि हमने ये मान लिया है अल्फा हमारा जीरो है, तो 12 पास में केमिस्ट्री भी किया, तो मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना, क्लास करते रहा हूँ, मुझे भी टाइम टेबल मालूम, और अगर आपको केमिस्ट्री करनी है क्लास से लीव करो और जाके केमिस्ट्री ज्वाइन कर लो। तो मैम ये हमारे पास है, तो अगर हम इसमें सीधा सा अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो अपने आप ही बीटा गामा आ जाएगा, जहां जहां अल्फा है वहां जीरो रख दो बस खत्म, का सब बच्चों को ही नजर आ रहा है, क्योंकि ना पहले वाले से आंसर आना ना दूसरे तीसरे वाले से आना, तो अब अगर हम यहाँ अल्फा को कॉमन लेके रखो या अल्फा को जीरो रखो, तो अल्फा हमारा जीरो हो गया तो जीरो इंटू बीटा, बीटा गामा एज इट इज, फिर यहाँ पे जीरो हो गया जीरो इंटू गामा, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बचा कौन, बीटा गामा इज इक्वल टू बी एस। तो मैं आपसे वही कह रहा था कि जब हम पहले देखेंगे वैल्यूज क्या हैं, फिर हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस वैल्यू को कहाँ पे यूज करें।